अगर हम दालों की बात करें तो मूंग की दाल, और वो भी साबुत मूंग की दाल से बढ़िया कोई और दाल नहीं। हाजमे के लिए भी बहुत बढ़िया और खाने में भी स्वादिष्ट। तो कैसे बनाते हैं मेरी किचन में आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं मूंग की दाल को सोख। सोख किया हमने मूंग की दाल 30 मिनट्स के लिए। तड़के का हम सामान रेडी कर लेते हैं, एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च छोटे छोटे चॉप कर लिया। मूंग की दाल को हमने डाल दी है कुकर में, एक कटोरी मूंग की दाल, और उसी हिसाब से दो कटोरी हम डालते हैं पानी। और अब हम डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और एक चम्मच नमक। कुकर का ढक्कन हम बंद कर लेते हैं और इसको 3 से 4 विसल तक होने देते हैं, जब तक कि मूंग की दाल बढ़िया तरीके से पक ना जाए। देखिए बढ़िया सुंदर सा रंग भी आ गया है इसका। अब हम बनाते हैं इसका तड़का। हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम घी में तड़का बना रहे हैं, आप तेल में भी बना सकते हो। 2 चम्मच घी ले लिया, आधा पिंच हमने डाला हींग पेट के लिए अच्छा, जीरा भी हमने ऐड कर लिया आधा चम्मच, और उसी के साथ ऐड किया हमने प्याज कटा हुआ जो हमने रखा था उसको। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि जब हम दाल खाते हैं तो इसका क्रंच जो है वो हमारे मुँह में आए। अब थोड़ी देर तक हम इसको भुनने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर। हमने डाल दिया है टमाटर और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा खड़ा मसाला जिसको हम चॉप मसाला बोलते हैं वैसा रखना है। अब हम जो हमने मसाला बनाया उसे हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसको हम थोड़ी देर हिला देते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। जो हमने मूंग की दाल कुकर में हमने बनाई थी उसको हमने गलाया था वो हम डाल देते हैं इसमें और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बस आप ये देख लीजिए कि 15 मिनट में हमारी तड़का दाल बनके तैयार है साबुत मूंग की। मज़ेदार रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।